राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने लिखे हुए गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंटेसी वर्ल्ड रिलेटेड आखिर कितने बुक्स हैं? ये सवाल कईयों को है। सो आज के वीडियो में मैं आपको जॉर्जी साहब ने बनाए हुए इस फैंटेसी वर्ल्ड के रिलेटेड सभी बुक्स को अच्छे से एकदम इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई एम श्योर कि एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया के सभी बुक्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डो लेट्स गेट इनटू इट। अब सबसे पहले तो मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि इस फैंटेसी वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया ऐसे हम तो कहते हैं, बट असल में एक्चुअली इस फैंटेसी वर्ल्ड को जॉर्ज आर आर मार्टिन अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहते हैं। और इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के स्टोरी के फर्स्ट एवर बुक का नाम है, यस यू गेस्ट इट राइट, अ गेम ऑफ थ्रोन्स। एंड ऑब्वियसली इसी पहले बुक के ऊपर HBO ने उनके शो का नाम भी गेम ऑफ थ्रोन्स रखा था और वही नाम सब जगह पे पॉपुलर हो गया। बट ये बात आप जरूर याद रखिए कि सारे बुक्स के सीरीज को अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सीरीज कहा जाता है, ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज। ये कंफ्यूजन कईयों का रहता है, इसलिए मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया। सो इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बुक सीरीज में अब तक 5 बुक्स रिलीज हुए हैं और 2 बुक्स और आनी बाकी है जो मैं आगे सभी एक एक करके बताने वाला हूं। सो अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पहले बुक की बात करते हैं। सो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का फर्स्ट एवर बुक अ गेम ऑफ थ्रोन्स रिलीज हुआ था 1996 में। वेस्टरोस के कैलेंडर के हिसाब से इस किताब के इवेंट्स 298 AC में शुरू होते हैं और यही कुछ 299 AC के आखिर तक इस बुक के इवेंट्स चालू रहते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मैं यही पे आपको बता दूं कि आखिर ये वाली सभी बुक्स कैसे लिखी गई है। सो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सभी बुक्स अलग अलग चैप्टर में डिवाइड की गई है और हर एक चैप्टर किसी ना किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और इन्हीं कैरेक्टर्स को POV कैरेक्टर्स कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट चैप्टर ब्रैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और हम रीडर्स को विंटरफेल में क्या हो रहा है ये ब्रैन के नजरिए से सब कुछ पता चलता है। देन इस बुक का सेकेंड चैप्टर लेडी केटलिन स्टार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो ऐसे ही अलग अलग POV कैरेक्टर्स हमें सभी बुक्स में देखने मिलते हैं और कहानी अलग अलग बुक्स में अलग अलग कैरेक्टर्स के नजरिए से अनफोल्ड होती है। सो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता ही होगा कि कैसे इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पूरे 5 बुक्स में कितने सारे अलग अलग POV कैरेक्टर्स हैं। इन सभी POV कैरेक्टर्स के नजरिए से ही ये पूरी कहानी एक एक करके खुलती जाती है। सो फ्रेंड्स अब हमने जो कुछ भी गेम ऑफ थ्रोन्स शो के फर्स्ट सीजन में देखा था वो सभी इवेंट्स इस पहले अ गेम ऑफ थ्रोन्स वाले बुक में भी दिखाई देते हैं। सो फॉर एग्जांपल हाउस स्टार्क का इंट्रोडक्शन होना, देन स्टोरी ऑफ मिस्टीरियस व्हाइट वॉकर्स, देन यंग डेनेरिस टारगेरियन इन एसोस, उसके बाद में विलेन लैनिस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे ये सभी चीजें हमें फर्स्ट बुक में भी देखने मिलती है और गेम ऑफ थ्रोन्स शो के तरह ही ये अ गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जो फर्स्ट बुक था वो भी डेनेरिस टारगेरियन के 3 ड्रैगन्स के बर्थ के साथ साथ खत्म होता है। तो फर्स्ट सीजन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स और फर्स्ट बुक अ गेम ऑफ थ्रोन्स इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देन फ्रेंड्स अभी हम सेकंड बुक के बारे में जानते हैं जिसका नाम था अ क्लैश ऑफ किंग्स और ये बुक आया था 2 साल बाद 1998 में और इस बुक के सारे इवेंट्स मोस्टली ईयर 299 AC में बसे थे। एज द नेम सेज ये बुक अलग अलग किंग्स के क्लैश के ऊपर बसा है जिसे वेस्टेरोस में सभी वॉर ऑफ 5 किंग्स भी कहते हैं। सो फर्स्ट बुक में किंग रॉबर्ट बराथियन के मरने के बाद में 5 अलग अलग किंग्स ने यानी कि रॉबर्ट के छोटे भाई रेनली बराथियन, स्टैनिस बराथियन, किंग इन द नॉर्थ रॉब स्टार्क, रॉबर्ट के सो कॉल्ड बेटे जॉफरी बराथियन और किंग ऑफ आयन आइलैंड बेलॉन ग्रेजॉय, ऐसे इन 5 ने आयन थ्रोन पे अपना दावा कर दिया। सो इस बुक में ज्यादातर इन्हीं 5 किंग्स के बीच में एक
क्लैश दिखाई गई है और इसीलिए इस बुक का नाम अ क्लैश ऑफ किंग्स है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सेकंड सीजन में भी हमें एग्जैक्टली यही देखने मिला था और ये सेकंड बुक भी गेम ऑफ थ्रोन्स शो के सेकंड सीजन के तरह ही बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के साथ में खत्म होता है। अभी गेम ऑफ थ्रोन्स का सेकंड सीजन और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का सेकंड बुक अ क्लैश ऑफ किंग्स का हम कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों भी वैसे कुछ हद तक सिमिलर ही रहे थे। बस यही कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बुक्स में काफी ज्यादा थी बट मैं कहूंगा कि ये ऑलमोस्ट 75% तो बुक और शो सिमिलर रहे थे। देन फ्रेंड्स, थर्ड बुक ऑफ द सीरीज रिलीज हुआ था ईयर 2000 में और इसका नाम था अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस बुक में अलग अलग लोकेशंस पर कई सारी छोटी मोटी बैटल्स हमें देखने मिलती है और इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया था द स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारों का एक तूफान। सो सेकंड बुक में तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्कीमिंग हुई थी बट इस तीसरे बुक में असली तलवारें बाहर निकली थी और वॉर प्रॉपरली शुरू हो गया था। सो जैसे कि मैंने कहा, वैसे तो गेम ऑफ थ्रोन्स शो के पहले दो सीजन्स और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले दो बुक्स काफी सिमिलर रहे थे बट देन शो के थर्ड सीजन से बुक्स की कई सारी अलग अलग छोटे मोटे कैरेक्टर्स और साइड स्टोरीज को हटाना शुरू हो गया। स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स के बुक में हमें कई सारे इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं जो हमें शो में बिल्कुल दिखाई नहीं देते, जैसे कि आयरन आइलैंड्स का विक्टोरियन ग्रेजॉय, गार्लैंड टायरेल, एरियन मार्टेल और ऐसे कई सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें इस बुक में दिखाई देते हैं बट शो में तो इनका जिक्र भी नहीं है। अभी जिनका मैंने जिक्र किया था वो कैरेक्टर्स कौन है ये मैं इवेंचुअली आगे के कुछ वीडियोस में बताऊंगा ही। तो दोस्तों, अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स की स्टोरी लाइन 299 एसी से लेके 300 एसी तक की होती है और मोस्टली इसमें अलग अलग लॉर्ड्स के पॉलिटिकल स्कीम्स और वॉरफेयर पे फोकस है। अभी वैसे देखा जाए तो पहले दोनों बुक्स भी 90s के एंड में बहुत हिट हुए थे और वो दोनों बुक्स भी क्रिटिकली एक्लेम्ड रहे थे बट ये तीसरा बुक अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड रहा था। इस बुक को यूनिवर्सली सभी ने बहुत प्रेज किया था और इसे प्रेज इतना मिलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के स्टोरी की सबसे यादगार मोमेंट द रेड वेडिंग इसी बुक में हुई थी। बट फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली इस बुक को ह्यूगो अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवेल इन फैंटेसी और साइंस फिक्शन नहीं मिला था। तो दोस्तों, ये ह्यूगो अवार्ड साल के बेस्ट साइंस फिक्शन या फिर फैंटेसी नॉवेल को दिया जाता है और ईयर 2001 में इस अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स के बुक को ह्यूगो अवार्ड नहीं मिलना ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। इस साल का ह्यूगो अवार्ड दिया गया था जेके रॉलिंग के फोर्थ हैरी पॉटर बुक हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर को। सो फ्रेंड्स, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के सीरीज के जो पहले तीन नॉवेल्स थे वो दो दो साल के इंटरवल से काफी जल्दी जल्दी में रिलीज किए गए थे बट देन नेक्स्ट टू बुक्स आने में बहुत टाइम लगा क्योंकि ईयर 2000 के 5 साल बाद में 2005 में रिलीज हुआ फोर्थ बुक कॉल्ड एज अ फीस्ट फॉर क्रोज एंड देन फिफ्थ बुक आगे 6 साल बाद आया था 2011 में विच वॉज कॉल्ड एज अ डांस ऑफ ड्रैगन्स। सो फ्रेंड्स, पहले जो एक्चुअली तीन बुक्स रिलीज हुए थे वो वैसे लीनियर थे, मतलब पहले तीन बुक्स का टाइम पीरियड 298 एसी से लेके 300 एसी के शुरुआत तक धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ता है बट देन फोर्थ बुक अ फीस्ट फॉर क्रोज एंड फिफ्थ बुक डांस ऑफ ड्रैगन में दिखाए गए कई सारे इवेंट्स एक साथ साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पर होते रहते हैं। इन दोनों बुक्स के इवेंट्स ईयर 300 में ही होते हैं। सो बेसिकली अब तक सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के सीरीज में ये 5 बुक्स रिलीज हुए हैं और अब इन 5 रिलीज हुए बुक्स के बाद में जॉर्ज आर आर मार्टिन ने और 2 बुक्स भी प्लान की है और इन दोनों बुक्स के नाम रिलीज किए गए हैं। सो अभी इसमें 6th वाला बुक होगा अ विंड्स ऑफ विंटर एंड देन एक प्लान्ड 7th बुक है जिसका नाम होगा अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग जो कि कहानी का आखिरी बुक होगा। बट फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो अपलोड करते समय ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं बट अब तक 6th बुक
विंड्स ऑफ विंटर रिलीज ही नहीं हुई है और सेवेंथ बुक का कब आएगा उसका तो बिल्कुल अता पता ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी और एक जानकारी देता हूँ। वैसे तो जॉर्ज आर आर मार्टिन ने एक्चुअली पहले अपनी जब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी सोची थी तब उन्होंने सिर्फ 3 बुक्स प्लान किए थे। इट वॉज सपोज टू बी अ ट्रिलॉजी बट जॉर्जी साहब ने अपने खुद के इमेजिनेशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया और देखते ही देखते उनकी ये सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया मैसिव बनती चली गई। सो अभी बात करते हैं कि आखिर बुक्स और शो में क्या छोटे मोटे डिफरेंसेस है। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स को लेकर जानकारी देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर बुक्स में क्या हो रहा है और शो में क्या हुआ। तो अभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5th बुक के आखिर में जॉन स्नो के साथ में गद्दारी हुई है और उसे नाइट्स वॉच के उसी के साथियों ने मार दिया है। सो बुक के स्टोरी के हिसाब से तो जॉन स्नो अभी भी वहां पे मरा पड़ा है। उसका क्या हुआ ये बुक रीडर्स वालों को तो पता ही नहीं है बट शो में तो वो वापस मर के जिंदा आया और आगे जो भी नॉनसेंस हम सब ने देखी वो तो सभी को पता है। वैसे ही फ्रेंड्स डांस ऑफ ड्रैगन के बुक के आखिर में डेनेरिस टारगेरियन ड्रोगोन पे बैठ के मीरिन से भाग गई है और वो कहां गई उसके साथ क्या हुआ है ये अब तक कुछ पता नहीं। वो तो तभी पता चलेगा जब 6th बुक आएगा। देन फ्रेंड्स वैसे ही बुक और शो में कई सारी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मुझे जो डिफरेंस लगा था वो ये था कि बुक में रामसे स्नो और सांसा स्टार्क की कभी शादी होती ही नहीं है, उनकी कभी भी मुलाकात नहीं होती। वो जो पूरा रामसे स्नो और सांसा स्टार्क के शादी वाला जो एंगल था, जो वो पूरा प्लॉट पॉइंट हमने शो में देखा था, वो पूरा वाहियात था और वो चीज बुक्स में है ही नहीं। वैसे ही अगर नॉर्थ की बात करें तो बुक्स में मैंस रेडर और स्टैनिस बराथियन अभी भी जिंदा है और वो दोनों अभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स के पॉलिटिकल गेम में बड़े प्लेयर्स है। सो बुक में एक्चुअली किंग बियॉन्ड द वॉल मैंस रेडर मरता नहीं है। बुक में एक्चुअली मैंस रेडर के तरह ही दिखने वाले किसी और को जिंदा जलाया जाता है और असली किंग बियॉन्ड द वॉल मैंस रेडर जिंदा होता है। वैसे ही फ्रेंड्स बुक्स में डॉर्न के लोग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बट शो में डॉर्न के प्लॉट को दर्दनाक मौत दी गई थी। प्रिंस डोरेन मार्टेल और उनकी बेटी एरियन मार्टेल बुक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं और उनका भी एक अलग ही पॉलिटिकल गेम शुरू होता है बट शो में तो एरियन मार्टेल को तो दिखाया ही नहीं है और प्रिंस डोरेन मार्टेल को तो एकदम ही वाहियात फालतू मौत ऐसे ही मिलती है। सो गाइज अब ऐसे कई सारे अलग अलग डिफरेंसेस बुक्स और शो में 3rd सीजन के बाद में आने लगते हैं बट उन सबको मैं बाद में अच्छे से कवर करूंगा। अभी मैं इस वीडियो में और ज्यादा डिफरेंसेस नहीं बताऊंगा। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की जो बुक्स थी और गेम ऑफ थ्रोन्स का जो शो था वो पहले 3-4 सीजन तक 70% सेम रहा था बट देन उसके बाद में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आने लगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के 5th सीजन से लेके 8th सीजन तक की जो स्टोरी लाइन थी वो एकदम ही बद से बदतर बनती चली गई क्योंकि शो राइटर्स डेविड एंड डैन की जॉर्ज आर आर मार्टिन के लेवल की राइटिंग ही नहीं थी। अभी कई लोगों का मानना यह है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने डेविड एंड डैन को थोड़े प्लॉट पॉइंट्स दिए थे जिसके ऊपर वो आगे कहानी को अच्छे से लिख पाए बट उन्होंने तो 5th, 6th, 7th एंड देन फाइनली 8th इन चारों सीजन में धीरे धीरे पूरे कहानी की बैंड बजा दी। सो अभी और एक बात करें तो कई फैंस के मुताबिक बहुत लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी 2-3 सीजन्स को बहुत ही गंदा क्रिटिसाइज किया था और उसी के वजह से जॉर्ज आर आर मार्टिन ने भी अपने सोचे हुए कुछ प्लॉट को बदलने का फैसला किया और उसके बाद में ही उन्होंने अपने 6th बुक को थोड़ा रीराइट करना शुरू कर दिया था और मे बी उसी के वजह से 6th बुक आने में अभी देरी हो रही है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की रिलीज हुई 5 बुक्स अब तक की समझी होगी बट ये 5 रिलीज हुई बुक्स और 2 आने वाली बुक्स तो मेन अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सीरीज की बुक्स हुई बट हम जानते हैं कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की ये दुनिया बस इस 5 बुक्स में जो इवेंट्स हुए उस तक लिमिटेड नहीं है। इट्स अ मैसिव फैंटेसी वर्ल्ड विद लॉट्स ऑफ हिस्ट्री। सो
इस वर्ल्ड का पहला प्रिक्वल नॉवेला रिलीज किया गया था 1998 में, जिसका नाम था हेज नाइट। अब ये हेज नाइट क्या होता है? सो हेज नाइट का मतलब है कि ऐसा नाइट जिसका किसी भी हाउस के साथ में एलिजियंस नहीं होता। ऐसे कुछ तगड़े नाइट वॉरियर्स होते हैं जो उन्हें जो चाहिए वो करते हैं, फिर वो चीज पैसों के लिए हो या फिर उन्हें कुछ उनके खुद के उसूलों के हिसाब से जिंदगी जीने हो। ये हेज नाइट किसी भी हाउस के सामने घुटने नहीं टेकते, उन्हें जो चाहिए वो करते हैं। दे आर बेसिकली अ नाइट फॉर हायर, वो ऐसे ही खुले में घूमते रहते हैं, बट वो तगड़े वॉरियर्स होते हैं। सो अभी नॉवेला मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एक्चुअली नॉवेला मतलब छोटी नॉवेल्स होती है जो एक शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा ज्यादा होती है बट नॉवेल से थोड़ा कम ही होती है। तो एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि नॉवेला मतलब शॉर्ट स्टोरी को थोड़ा एक्सपेंड किया गया होता है। सो अभी इस हेज नाइट नॉवेला में जो भी हमें इवेंट्स देखने मिलते हैं वो गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 90 साल पहले बसे हैं। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अ गेम ऑफ थ्रोन्स बुक के जो भी इवेंट्स थे वो 298 एसी में शुरू होते हैं, तो उसके 90 साल पहले अ हेज नाइट के इवेंट्स 209 एसी में शुरू होते हैं। सो इस नॉवेला में हम एक हेज नाइट से मिलते हैं जिसका नाम होता है डंकन द टॉल। इस ऑलमोस्ट 6'8" के ह्यूज डंकन द टॉल को एक छोटा सा टकलू बॉल्ड हेडेड लड़का मिलता है जो अपने आप को एग करके बुलाता है। ये छोटू एग सर डंकन का स्क्वायर बनता है और उनकी बहुत ही क्यूट, बहुत ही मस्त स्टोरीज हमें इसमें देखने मिलती है। अब ये छोटू एग आखिर है कौन और डंकन एग की क्या स्टोरीज है वो तो मैं आपको बाद में ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो इस सीरीज के 1998 के हेज नाइट नॉवेला के बाद में ईयर 2003 में द स्वॉर्न सॉर्ड नाम की दूसरी डंकन एग वाली नॉवेला रिलीज की गई, एंड देन 2010 में थर्ड डंकन एग नॉवेला द मिस्ट्री नाइट रिलीज हुआ। सो इस तरीके से डंकन एग के टोटल 3 अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज नॉवेला आए थे और इवेंचुअली 2017 में एक बुक रिलीज हुआ जिसका नाम रखा गया था अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। डंकन एग के तीनों नॉवेलाज को हमें इस बुक अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में देखने मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों डंकन एग के तीनों अलग अलग नॉवेलाज के 3 अलग अलग ग्राफिक नॉवेल्स भी रिलीज किए गए थे जिसमें काफी मस्त पिक्चराइजेशन वगैरह दिखाया गया है। जिन्हें कुछ अच्छे आर्टवर्क्स वगैरह देख के ग्राफिक नॉवेल पढ़ना पसंद है तो उनके लिए ये एक काफी अच्छी चीज है। सो अब तक डंकन एग के बस 3 ही नॉवेलाज रिलीज किए गए हैं। देन फ्रेंड्स एक्चुअली और एक फोर्थ डंकन एग नॉवेला भी रिलीज होने वाला था जिसका नाम जॉर्जी साहब ने रखा था द शी वुल्व्स ऑफ विंटरफेल, और इस बुक में अपनी फेमस डंकन एग की जोड़ी नॉर्थ में विंटरफेल में जाने वाली थी जहां पे कुछ विंटरफेल के औरतों का बहुत ही मस्त स्टोरी होने वाला था, बट जॉर्जी साहब ने वो नॉवेला लिखना ही बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना पूरा फोकस 6th बुक ऑफ अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर ऑफ विंड्स ऑफ विंटर में डाल दिया, और इसी के वजह से डंकन एग का ये फोर्थ नॉवेला थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे पड़ गया। वो अभी भी पाइपलाइन में है, वो कभी आएगा पता नहीं, बट कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डंकन एग की यही कुछ 6 से 12 अलग अलग नॉवेला प्लान की गई है और वो इवेंचुअली सभी रिलीज होगी, बट अगेन पता नहीं वो कब आएगी। सो लेट्स सी अभी इसमें क्या होता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट अप इज द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर। ये बुक 2014 में रिलीज किया गया था और ये बुक मतलब पूरे नोन वर्ल्ड का एक तरह से हिस्ट्री बुक है। ये वाला बुक ऐसे लिखा गया है कि मानो इसे किसी ग्रैंड मास्टर येंडेल ने लिखा है, और ये वाला बुक एक्चुअली हमें पूरे वेस्टेरोस में भी मिलता है। अब सिटाडेल के ग्रैंड मास्टर येंडेल ने इस बुक को फिक्शनल वर्ल्ड वेस्टेरोस में लिखा था, बट अपने रियल वर्ल्ड में इसे ऑब्वियसली जॉर्ज आर आर मार्टिन ने लिखा था, बट उन्हें 2 अलग राइटर्स ने भी मदद की। ये बुक 2014 में आया था और 2010 से लेकर 2014 के बीच में जॉर्ज आर आर मार्टिन साहब कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहे थे और इसीलिए उन्हें ये वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर का जो बुक लिखना था
उसमें थोड़ी मदद लगी थी और उन्हें ये मदद मिली एलियो गार्सिया और लिंडा एंटोनसेस के जरिए। सो ये एलियो और लिंडा एक्चुअली एक कपल है और ये अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग है। इन दोनों ने मिलके ही westeros.org वेबसाइट शुरू किया था जिस पर सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है और ये वाला वेबसाइट मतलब एक तरह से सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पूरे दुनिया का एक एनसाइक्लोपीडिया है। आप भी इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और आपको भी इस वेबसाइट पे मजा आ सकता है। ये वाली वेबसाइट मतलब एक तरीके से सभी थ्रोनीज का कम्युनिटी सेंटर है। इधर दुनिया भर के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के फैंस यानी कि थ्रोनीज अलग अलग चीजें शेयर करते हैं, अलग अलग ब्लॉग्स लिखते हैं और HBO के शोज की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक होती रहती है। इवन कई बार जॉर्ज आर आर मार्टिन साहब खुद यहाँ पर ब्लॉग्स भी डालते हैं। सो आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि इस वेबसाइट पे हमें क्या क्या अलग अलग चीजें देखने मिलती है। तो अभी सवाल आता है कि अक्टूबर 2014 में रिलीज हुए इस बुक द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर में आखिर क्या है। तो बेसिकली इसमें सभी इंपॉर्टेंट हाउसेस की हिस्ट्री हमें पता चलती है और कई सारे अलग अलग इवेंट्स की जानकारी हमें इस बुक्स में देखने मिलती है। मैंने जो कुछ भी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कंप्लीट टाइमलाइन वाले वीडियो में बताया था वो सब कुछ मैंने इस बुक वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर के शुरुआती चैप्टर्स में से लिया था। सो वो तो बस शुरुआती चैप्टर थे बट उस बुक में ऐसी बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से हमें सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। इस बुक में कई सारी छोटी मोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो ऑब्वियसली मैं आने वाले कई सारे अलग अलग वीडियोज में शेयर करूंगा ही। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट अप वापस दो नॉवेलाज आई थी। इसमें पहली नॉवेला 2013 में आई थी जिसका नाम था अ प्रिंसेस एंड अ क्वीन। अब ये भी एक छोटी नॉवेला है जिसमें प्रिंसेस रेनिरा वर्सेस क्वीन एलिसेंट के बीच के सभी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं। इसमें बस कुछ पेजेस में बताया गया है कि कैसे रेनिरा और एलिसेंट के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और आगे चल के ये छोटा सा संघर्ष वॉर में कैसे तब्दील हुआ। ऐसी सभी चीजें हमें इस नॉवेला अ प्रिंसेस एंड अ क्वीन में देखने मिलती है। ये वाली नॉवेला एक्चुअली सिटाडेल के दूसरे कोई आर्चमेस्टर ग्लिंडन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। मतलब ये अ प्रिंसेस एंड अ क्वीन की छोटी शॉर्ट स्टोरी भी वेस्टेरोस में कई अलग अलग जगह पे पाई जाती है। देन ऐसे ही 2014 में आर्चमेस्टर ग्लिंडन ने लिखी हुई अ रोक प्रिंस नाम की नॉवेला भी रिलीज की गई जो थी रोक प्रिंस डेमोन टारगेरियन के ऊपर। देन उसके बाद में वैसे ही 2017 में सन्स ऑफ द ड्रैगन नाम की भी एक नॉवेला पब्लिश हुई और ये भी आर्चमेस्टर ग्लिंडन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और उन्होंने ही वो लिखी थी। और इस नॉवेला में हमें सन्स ऑफ द ड्रैगन यानी कि एगोन द कॉन्करर के बेटे एनिस एंड मेगोर के बारे में कई सारी अलग अलग चीजें पता चलती है। सो ये जो तीन नॉवेलाज रिलीज की गई थी इन नॉवेलाज को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसे ही देखकर जॉर्ज आर आर मार्टिन को लगा कि हमें हाउस टारगेरियन के पूरे हिस्ट्री के बारे में एक अच्छे से बुक लिखनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने ये जो प्रिंस एंड द क्वीन में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी रोक प्रिंस नॉवेला में हुआ था और जो कुछ भी सन्स ऑफ द ड्रैगन के नॉवेला में हुआ था उन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन किया गया और उसमें और ढेर सारी इंफॉर्मेशन ऐड की गई और एक प्रॉपर टारगेरियन हिस्ट्री का बुक लिखा गया और ये बुक भी आर्चमेस्टर ग्लिंडन ने लिखा था और इसका नाम रखा गया फायर एंड ब्लड अ हिस्ट्री ऑफ टारगेरियन किंग्स फ्रॉम एगोन द कॉन्करर टू एगोन द थर्ड। इसी इंपॉर्टेंट बुक और बाकी कुछ सपोर्टिंग पब्लिश्ड आर्टिकल को मैं अपने फायर एंड ब्लड के चैप्टर सीरीज के लिए यूज करता हूं और इसी बुक में भयंकर डांस ऑफ ड्रैगन्स के वॉर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उसी डांस ऑफ ड्रैगन के वॉर पे बेस्ड है HBO का शो हाउस ऑफ द ड्रैगन। सो एज द नेम सेज ये फायर एंड ब्लड बुक एक्चुअली फर्स्ट एगोन से लेके थर्ड एगोन तक की कहानी है जो कि बेसिकली 5 BC से लेके 140 AC तक का पूरा इतिहास अच्छे से कवर करता है। अभी एक्चुअली इस बुक का अगला और एक पार्ट फायर एंड ब्लड वॉल्यूम 2 भी रिलीज होने वाला है जो कि एगोन द थर्ड से लेके मैड किंग
एरिस द सेकंड तक की कहानी, यानी कि 140 से लेके 282 एसी तक की स्टोरी प्रॉपरली बताई जाएगी। बट वो बुक कब आएगी ये भी पता नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, जॉर्जी साहब तो अभी विंड्स ऑफ विंटर लिखने में बिजी हुए हैं। सो ये सभी जो साइड प्रोजेक्ट्स है वो उन्होंने अभी बैक बैनर पे रखे है। देन दोस्तों, एक्चुअली हाल ही में 2022 में फायर एंड ब्लड का एक अलग सा नया वर्जन रिलीज किया गया जिसका नाम था राइज ऑफ पावर। तो सबको पहले तो लगा था कि ये कोई अलग बुक होगा, बट एक्चुअली इसमें वही सब कुछ बताया गया था जो फायर एंड ब्लड में है। थोड़ी बहुत यहां वहां की इंफॉर्मेशन ऐड की गई थी, बट उसमें ऐसा बहुत कुछ ज्यादा भी नहीं था। बट इसकी सबसे खास बात यह रही थी कि इस बुक में बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क्स दिए गए थे जो कि फायर एंड ब्लड में इतने ज्यादा नहीं थे। आई मीन जस्ट लुक एट दिस आर्ट वर्क्स, ऐसे कुछ बहुत ही खूबसूरत अलग अलग आर्ट वर्क्स हमें इस राइज ऑफ पावर बुक में दिखाई देते हैं। देन फ्रेंड्स, लास्टली द लैंड्स ऑफ आइस एंड फायर जो 2012 में रिलीज हुआ था, वैसे ये कोई बुक तो नहीं है बट ये 12 अलग अलग मैप्स का एक सेट है जो जॉर्जी साहब के दिमाग से आए पूरे नोन वर्ल्ड के मैप को एकदम डिटेल में अच्छे से बताता है। सो आप इस अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में देख सकते होंगे कि कैसे अलग अलग 12 मैप्स हमें इस सेट में दिखाई देते हैं। सो लॉर्ड्स एंड लेडीज, जॉर्ज आर आर मार्टिन साहब के फैंटेसी वर्ल्ड और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में हमें यही सब कुछ बुक्स दिखाई देती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। आई एम फाइनली बैक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय एंड टेक केयर।